हेलो गाइस, आप सबका आरती पचेवाल ऑफिशियल के चैनल में बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है मैं अपनी बेटी के साथ मना रही हूँ, क्योंकि ये एक स्पेशल ये क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो है जो रिलेटिव टू मदर डे था। यहाँ पर मंगोलिया में जून 1 को मदर्स डे मनाते हैं। मदर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे 1 जून को आता है मंगोलिया में, तो वो दोनों है जो मदर्स और चिल्ड्रंस डे एक ही दिन मनाते हैं। तो ये मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने सेकंड टाइम मदर्स डे पे मुझे गिफ्ट दिया है और मुझे नहीं पता क्या गिफ्ट है। और मिशेल ने और अर्जुन ने मेरे हस्बैंड मतलब काना के साथ अपने पापा के साथ जाके गिफ्ट चूज़ किया है, और उनको भी मतलब उन्होंने मुझे नहीं बताया। और मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ वीडियो क्योंकि उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी, तो मैंने अभी अनपैक नहीं किया है। तो मैं चाह रही थी कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ कि मेरी बेटी ने जो सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम उसने मुझे दिया था लास्ट ईयर, तो उसने मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट दी थी। और इस जो बार दिया है वो मुझे 2 गिफ्ट मिले हैं। एक मेरे हस्बैंड की तरफ से मिला है क्योंकि जब से मेरे दोनों बच्चे मतलब कि हुए हैं और वो इतने मतलब बड़े हो गए हैं समझदार कि उनको पता है मदर्स डे क्या होता है, स्पेशली मेरी बेटी को, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे लाइक अब दिया, उन्होंने मुझे एज ए गुड मदर जो वो सोचते हैं, और मैं हूँ भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे एक गिफ्ट दिया है, और मेरे दोनों बच्चों ने स्पेशली मिशेल ने मुझे अपने पापा को सजेस्ट किया था कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए या मुझे ये गिफ्ट देना चाहिए, तो उसने दिया। आई होप कि वो अच्छा हो, यूज़फुल हो अभी के टाइम पे, ऐसा नहीं हो कि उसने जो मुझे दिया है तो वो जो मैं मतलब कि रख दूँ और कभी कभार यूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं है। तो हम चलते हैं मतलब कि अनपैक करते हैं गिफ्ट। तो जैसे ये है, और ये जो 2 गिफ्ट है ये मेरे हस्बैंड की तरफ से है, और ये मेरी मतलब बच्चों की तरफ से जो मेरे हस्बैंड ने चूज़ किया, ना ही मुझे पता है कि क्या है। और चलो हम करते हैं। तो मिशेल, डू यू नो व्हाट हैव इनसाइड? आई डोंट नो, शी से शी डोंट नो एज शी टोल्ड मी बिफोर। ओ इट्स सरप्राइज मामी, सो इट्स सरप्राइज, सी इट्स सरप्राइज शी सेड। सो लेट्स सी। और लास्ट 2 वीक्स अगो शी लॉस्ट हर 2 टीथ फ्रॉम डाउनवर्ड, सो यू कैन सी, बट इज एनी वेज इज पार्ट ऑफ सो लाइफ, सो नो वरी अबाउट इट। सो पहले मैं अपने बच्चों का गिफ्ट अनपैक करूँगी जो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने एक ऐसा गिफ्ट मुझे दिया है मदर्स डे पे, और मैं करूँगी अनपैक। तो मुझे लगा था कि ये कुछ होगा, तो मुझे लग रहा है कि या तो पीस ऑफ टी शर्ट है या कुछ है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए तो करते हैं। आई होप कोई अच्छी चीज़ हो, तो मैं इसकी पैकिंग अनपैकिंग करते हैं। और वो मिशेल भी मुझे नहीं बता रही कि क्या है, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मिशेल ने सजेस्ट किया है, उसने मुझसे ही सुना था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वैसे क्या है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ, इसकी पैकिंग करते हैं। ओह माय गॉड, उसने मुझे ये गिफ्ट किया है बैग, और सीरियसली मुझे ये चाहिए था। मैं सोच रही थी कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ये लूँगी, और ये लेदर का है और ये कलर भी बहुत प्यारा है। यहाँ पर बोलते हैं कि ये कलर पर्स का होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक इसका बद्दी है कि क्या, चलो उसको खोल के देखते हैं, शायद इसके अंदर होगा। ये रही इसकी बेल्ट। अच्छा, तो मुझे ये चाहिए था पर्स, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बाहर जाती हूँ तो मुझे अपना फ़ोन और ज़्यादातर मैं घर पर ही छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि अर्जुन अभी छोटा है तो उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना और उसको मतलब हाथ पकड़ के इधर उधर मैं जाना होता है, तो मैं ज़्यादा चीज़ कैरी नहीं करती, बस घर की ही कैरी करती हूँ। तो मुझे ऐसा पर्स चाहिए था, और थैंक यू मिशेल सो मच, सच अ नाइस गिफ्ट, थैंक यू सो मच। मेरी बेटी को इतना याद था कि मुझे ये चाहिए, और उसने मेरे पापा को सजेस्ट किया, नहीं तो इसके पापा को तो नहीं मालूम कि मुझे क्या चाहिए होता है। सच अ गुड पर्स, और ये प्योर लेदर है, अच्छी क्वालिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे मंगोलिया में लेदर बहुत फेमस है, लेदर की बैग, लेदर के पर्स और बहुत फेमस हैं, तो यहाँ पे ये लेदर है, प्योर लेदर है, और स्मेल भी मतलब लेदर की आ रही है, तो इतना अच्छा पर्स है। अभी मैं इसको पक्का यूज़ करूँगी जब मैं कंट्री साइड जाएंगे, या मतलब कि काफ़ी ये पिकनिक वगैरह पे जाएंगे, तो मैं हमेशा इसको अपने पास रखूँगी। और मेरे स्पेशल है क्योंकि मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी चीज़ दी है मदर्स डे पे, और मैं इसको हमेशा रखूँगी। थैंक यू सो मच मिशेल, थैंक यू, गिव मी हग। बच्चों कुछ भी देते हैं बच्चे, तो वो स्पेशल ही होता है, वो छोटी या बड़ी चीज़ नहीं होती। लास्ट ईयर मिशेल ने मुझे एक मेरी फेवरेट चॉकलेट दी थी, तो अब हम खोलेंगे अपने हस्बैंड का गिफ्ट, देखती हूँ उन्होंने मुझे क्या दिया है। उन्होंने मुझे मतलब फर्स्ट टाइम दिया है मदर्स डे पे, क्योंकि ये तो एक मदर डे और चिल्ड्रन डे है, तो उनका हर साल देना बनता भी नहीं है, क्योंकि ये कोई उनका वो नहीं है रिलेशन, तो
लेट्स सी, क्योंकि उसने उन्होंने मुझे ये बोला, ये गिफ्ट दिया है, ये मदर्स डे इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग माय बर्थडे इंक्लूडिंग माय एनिवर्सरी. सो हमारी नेक्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी है और भगवान की दया से हमें पूरे 9 साल हो जाएंगे और सब भगवान का आशीर्वाद है जो आप बोलते हैं. तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा गिफ्ट होगा जो, इसलिए उन्होंने मुझे 3 चीज़ इंक्लूडिंग में ये दिया है. तो देखते हैं. ओके तो इसमें कुछ आई थिंक उन्होंने मुझे गोल्ड की चैन प्लेटेड गिफ्ट की है. लेट्स सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखी है कि मतलब कि लेडीज़ पहनती है. ये देखिए, वाह मिशेल इज सो ब्यूटीफुल. हाँ मिशेल अब मुझे कुछ दिन बाद बोलेगी मम्मी मुझे भी दो पहनने के लिए, क्योंकि वो मेरी ज़्यादा ज्वेलरीज पहनती है. बहुत अच्छी है ये चैन. वाह ये देखिए गर्ल दिए, मतलब कि वाइट गोल्ड प्लस येलो गोल्ड है. वेट मिशेल, आई कैन ट्राई टू माय डॉटर, लेट्स सी. वाओ इट्स सो प्रिटी. तो ये देखिए, ये मतलब कि इतना ही आएगा, अगर मिशेल कितना आ रहा है तो मेरे इससे थोड़ा ऊपर ही आएगा. तो थैंक यू मुझे ये देने के लिए अपने हस्बैंड के लिए. मैं उनको शाम को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि अभी वो ऑफिस गए हुए हैं. तो ये था मेरा जो गिफ्ट था, अनपैक था, जो मैंने किया आप लोगों के सामने. और मतलब कि बहुत ही अच्छे गिफ्ट थे, दोनों यूज़फुल चीज़ हैं. और मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि मेरी बेटी ने ये सजेस्ट किया है अपने पापा को, और उसने कैसे सजेस्ट किया होगा ये भी मुझे मालूम नहीं है. और ये बहुत अच्छा पर्स है, रेड कलर भी मुझे बहुत पसंद आया है और लेदर का भी है. और इसकी जो मुझे जो चाहिए था वो था. तो ये बहुत स्पेशल है. थैंक यू मिशेल. और आप सबको भी मैं ये तो नहीं बोलूँगी एडवांस में, क्योंकि लेट हो चुका है. और इंडिया में तो 8 मई को होता है और मंगोलिया में जो है वो 1 जून को होता है. तो एनीवेज वो कहते हैं ना कि देर से भले ही तो बोल देना चाहिए. तो हैप्पी मदर डे सबको, और अपना ध्यान रखना, खुश रखना. और फिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखना. थैंक यू, बाय बाय. मिशेल से बाय बाय. और थैंक यू सो मच गाइस.